अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इरफान और आप देख रहे हैं इरफान आल इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर। दोस्तों आज हम जो ज़ीरो वाला मशीन है हेयर कटिंग वाला और उसको रिपेयर करेंगे। तो आप सब जानते हैं कि ये चाइना का न्यू मॉडल है और बेहतरीन ज़ीरो वाला मशीन है। तो ये मेरे पास पहली दफ़ा आया है और इसका मसला यही है कि आप देख सकते हैं कि इसका बटन दबाओ तो हल्का सा चलता है फिर टूट जाता है, बस इतना सा होता है। तो अक्सर इनमें यही मसला आता है दोस्तों। तो ये मसला कहाँ से है, क्या मसला इसमें, क्या प्रॉब्लम है, इसमें बैटरी का मसला है, चार्जिंग का मसला है या मोटर का मसला है, कहाँ से मसला है, तो अभी इसको खोल के देखते हैं दोस्तों। और उसको अभी खोलने का तरीका भी यही है कि इसमें दो स्क्रू आगे से है और इसकी बैक साइड से इसमें एक ढकना है। तो दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरा नया आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी मिल सके। तो अभी इसको खोलने का तरीका इस तरह है कि इसका ऊपर से जो ढकना है मैंने जो हाथ में पकड़ा है और इसमें चूड़ी होती है, तो आप किसी भी नोज ग्लास से घुमा से उसको निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये भी निकल गया और उसमें एक मोटर है, मोटर में कहीं तार जुड़ी हुई नहीं है और इसमें एक स्प्रिंग है वो उसमें जो प्लस वाली लाइन है जमे की और साइड में माइनस वाली का और सिर्फ इसका सिर रही है। तो ये बैटरी मैंने निकाल दिया है। तो अभी चेक करने का पहला ऑप्शन ये है कि ज़्यादातर इसमें बैटरी ख़राब होती है, तो अभी पहले इसकी बैटरी की वोल्टेज चेक करते हैं। तो आपके पास मीटर होना चाहिए चेक करने के लिए, अगर मीटर नहीं है बगैर मीटर की भी बैटरी चेक करने के लिए दूसरा फार्मूला है, तो इसके बारे में मैं दूसरा एक वीडियो बनाऊंगा। तो आपने देखा वोल्टेज भी सही है और अब इस तरह मैं जब चलाऊँ तो बेहतरीन तरीके से चल रहा है। तो अब इसमें बंद करते हैं तो ना चलने की वजह क्या है इस बारे में देखते हैं अभी। तो इसका मतलब ये कि अभी मोटर भी सही है और इसकी बैटरी भी सही है। तो अभी इसका मसला एक तो इसमें यह मसला है, सबसे पहली मसला ये है कि इसमें जो इसकी जो सॉकेट है, एक मिनट है, इसमें सॉकेट में इसकी बिल्कुल इसकी जो राउंड में माइनस की लाइन होती है जो बॉडी के साथ टच होती है, तो ये जब मशीन यूज़ होता है तो इसके वाइब्रेशन की वजह से इसमें रगड़ खा के उसका जो माइनस का नुक्ता बनाते हैं और बाहर से जो इसका बॉर्डर बनाते हैं वो ख़राब हो जाता है। तो पहली बात ये है। तो अभी उसको बनाते हैं, इसमें इसकी सॉकेट की गोलाई में जो माइनस का दायरा है उस पर कावे साइड में टांका लगा देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चैनल मेरा ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरा नया आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो अभी इस तरह आप देख सकते हैं, मैं जूम करके थोड़ा दिखा रहा हूँ, तो इस तरह चारों साइड पे इसमें दांत बने हुए हैं, तो वहाँ पर आप टांका लगा के थोड़ा किलाई इसमें बढ़ा सकते हैं ताकि ये बॉडी के साथ सही से टच हो सके। तो ये चारों तरफ से मैं कर रहा हूँ, ये तीसरी साइड है, तो तीसरे साइड से भी कर दिया मैंने और ये चौथी साइड से मैं थोड़ी किलाई बढ़ा रहे ताकि बॉडी के साथ टच हो सके। तो ये मैंने कर दिया दोस्तों। और पहले अभी इसकी सॉकेट को बंद कर देते हैं। तो पहले ही मैं इस पर सेल इसमें लगा दिया है, उसके बाद इसके फोम है और उसके बाद इसका ढकना है, तो ये मैंने लगा दिया दोस्तों। अब इसमें रह जाता है मोटर। तो मोटर के भी दो तीन मसले इसमें, एक तो इसमें जो स्प्रिंग है इसमें ये स्प्रिंग भी दब जाती है, दूसरे इसके माइनस वाला पॉइंट है ये थोड़ा अंदर की तरफ हो चुका है, तो इसको अभी नोज प्लास या प्लास वगैरह से इसको बाहर थोड़ा बाहर कर देते हैं बॉडी के साथ ताकि ये बॉडी के साथ आसानी से टच हो सके। तो ये मैंने कर दिया है और इसकी स्प्रिंग भी खींच दिया है मैंने ताकि स्प्रिंग भी सही से टाइट हो कि उसमें बैटरी के साथ लग सके। तो ये मैंने कर दिया है दोस्तों। अभी इसको मोटर लगा के बंद कर देते हैं। तो अभी मोटर लगा दिया है मैंने और ऊपर से इसकी ढकना जो है लगाने के लिए देखिएगा दोस्तों, मैं ऑन कर रहा हूँ, बेहतरीन तरीके से चल रहा है। जब ऑन होता है इसकी बैटरी, इसमें लाइट ऑन होता है,
अभी ये चल रहा है, और अभी देखते हैं कि इसकी जो लागे वाली जो जीरो का जो मशीन है वो चला सकता है नहीं चला सकता। बाद इस तरह होता है कि खालिश में मोटर बेहतरीन तरीके से चल जाता है, और लेकिन इसका जो ऊपर बाल काटने वाली जो लेज़र है वो लगाते हैं तब नहीं चलता, रुक जाते हैं। तो अभी फिर मैं लगा देता हूँ इसका, तो इसमें स्क्रू टाइट करने के लिए इसका नीचे ये जो स्क्रू है ये नीचे जाकर मोटर के साथ लग जाते हैं, तो इसकी जो सुराख है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। बिल्कुल देखिएगा, मैं इसको थोड़ा घुमा के सेट कर रहा हूँ, तो एक मिनट, ये मैंने सेट कर दिया दोस्तों। ऊपर वाले ढकने के साथ नीचे जो मोटर के स्क्रू की जो सुराखे है वो बिल्कुल आमने सामने होना चाहिए, तो ये मैंने टाइट कर दिया है, और ये इस तरह लगा दिया मैंने। तो इसके दो स्क्रू है, थोड़े मुश्किल है ये स्क्रू टाइट करना, तो मैं इसको टाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मोटर में स्क्रू ड्राइवर लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये मैंने टाइट कर दिया है। तो ये वाले टाइट करने या निकालने के लिए स्क्रू ड्राइवर से ही होना चाहिए, कोई लूज या ख़राब स्क्रू ड्राइवर से उसका काम नहीं चलेगा, वो टाइट स्क्रू टाइट स्क्रू होते इसके। तो ये मैंने दोनों टाइट कर दिया है, और देखिएगा दोस्तों बेहतरीन चल रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।